जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि फिल्म में क्या होना चाहिए, जो हमने टाइम दिया है, जो हमने पैसे खर्चे किए हैं, वो वसूल होना चाहिए। भाई मैं आपको बता दूं, आज KGF 2 रिलीज हो चुकी है। जब आप ये मूवी देखने जाएंगे तो ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा, ना ही आपके पैसे वेस्ट होंगे। फुल ऑन पैसा वसूल मूवी है। अगर मैं इस मूवी का एक लाइन में रिव्यू करूं गाइस, तो स्टार्ट टू एंड एक्शन सस्पेंस ट्विस्ट इमोशन कमाल के हैं, आपको मजा आ जाएगा। फुल ऑन फायर बॉस। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट टू व्यू। बात करते हैं कहानी की, तो फिल्म वहीं से शुरू की गई है जहां KGF Chapter 1 छोड़ी गई थी, और इतना से कनेक्ट किया गया है कि आपको लगेगा नहीं कि चैप्टर 1 के बाद थोड़ा कहानी में इधर उधर हुआ है। नहीं, अच्छा कनेक्ट किया गया है। फिल्म का जो एनवायरनमेंट रखा गया है वो डार्क रखा गया है, और इसके जो कलर ग्रेडिंग पे जो काम किया गया है, मतलब इतना बारीकी से काम किया है ना, आपको देखने में मजा आएगा। उसका जो सेट है और जो लोकेशन पे शूट किया गया है मस्त है भाई। ह्यूज क्राउड था बॉस, मतलब पूरा थिएटर पैक, एकदम जगह नहीं है, और लोग बस रॉकी रॉकी रॉकी। फिल्म में जो रॉकी और अधीरा की जो एंट्री है उस पर जो सीटियां और तालियां बजी है भाई, मजा आ जाएगा। भले आप सिंसियरली फिल्म देखते हो, लेकिन ऐसी कई सिचुएशन फिल्म में सामने आएगी जहां पे आपको लगेगा कि नहीं यार, ताली भले ही धीरे से बजाऊं लेकिन ताली बजाऊं, और लोग ताली बजा रहे थे। I can't avoid. फिल्म की स्टोरी, डायलॉग, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है, प्रशांत नील की मेहनत दिख रही है। और बात करते हैं फिल्म के बैकबोन की, यानी कि म्यूजिक की। रवि बसूर साहब ने एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला म्यूजिक किया है, आपको म्यूजिक बहुत पसंद आने वाला है। फिल्म का जो सॉन्ग है तूफान सॉन्ग और महबूब, बहुत अच्छे हैं, और ज्यादा कुछ सॉन्ग है नहीं फिल्म में। जब बाहुबली आई थी तो लगा था कि इंडिया भी हॉलीवुड को टक्कर देने वाली फिल्में बना रहे हैं। भाई KGF Chapter 2 ने भी हॉलीवुड को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं आपको बता दूं, जो RRR के ऑनलाइन टिकट बुक हुए थे उसका रिकॉर्ड तो KGF ने तोड़ ही दिया है। उसी से पता चलता है कि KGF 2 के कितने दीवाने, और हो सकता है कलेक्शन के मामले में RRR का भी जल्दी रिकॉर्ड तोड़े। हालांकि RRR अपनी जगह अच्छी है और ये अपनी जगह अच्छी है, दोनों का कंपैरिजन आप करोगे तो वो बेवकूफी है। फिल्म की स्टार कास्ट में यश और संजय दत्त तो है ही, साथ में रवीना टंडन, प्रकाश राज, इन्होंने जो अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है, सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा एक्शन है, सेकंड हाफ में एक्शन प्लस इमोशन, जो इमोशन में देख रहा था कि इमोशन किधर छुप गया भाई, वो आपको सेकंड हाफ में दिखेगा। सेकंड हाफ तो आपको ऐसा बांध के रखेगा, और लास्ट में क्लाइमेक्स तक आपको लेके जाएगा। क्लाइमेक्स जो इन्होंने 30 से 35 मिनट का रखा है, क्लाइमेक्स को ऐसी जगह छोड़ा है ना कि पब्लिक को वापस थिएटर में लाने का पूरा बंदोबस्त इन्होंने कर लिया है। फिल्म बनाने के लिए 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ की कोई जरूरत नहीं है, ये कनाडा फिल्म इंडस्ट्री ने बता दिया। भाई 100 करोड़ में जो फिल्म बना के फाड़ा है, धीरे धीरे फिल्म का जो कलेक्शन होने वाला है वो धांसू होने वाला है भाई। अरे बॉलीवुड वालों, अब तो जागो। जहां बॉलीवुड साला नीचे जाता जा रहा है, साउथ इंडस्ट्री ऊपर आती जा रही है। शरवण जी के साथ जब मैं मूवी देखने गया तो मैंने उनको बोला, शरवण जी क्या मूवी बनाई है यार ये। शरवण जी बोले, भाई बहुत बढ़िया है, ऐसी मूवी मुझे देखना पसंद है। बोले यश ने तो अच्छी एक्टिंग की है और संजय दत्त का भी बढ़िया है, लेकिन जो रवीना टंडन ने बोला है घुसा के मारेंगे। मैंने बोला भाई घुसा के नहीं मारेंगे, घुस के मारेंगे। यार शरवण जी तुम ना, मतलब शरवण जी ने जो मजे लिए हैं, जो सीटियां तालियां मारी है, मुझे लगता है कि अगर उनको पैसे उड़ाने का मौका मिलता तो वो पैसे भी उड़ा देते। मैंने बोला भाई शांत रहो। बहुत दिनों के बाद शरवण जी को मजा आया और वो खुश हुए हैं। इसके कुछ डायलॉग तो ऐसे ना आपके दिमाग में चढ़ जाएंगे, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। और भाई साहब, जो रॉकी भाई PM के ऑफिस में घुसते हैं वो तो पक्का हिला देने वाला है आपको। मतलब इतना अच्छे से शूट किया है, और जो एक्टिंग है बंदे का, जो एटीट्यूड है वो बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो आप अपने टिकट बुक कराइए, जाइए अगर आपको टिकट मिल जाए तो। लेकिन ये फिल्म कोई स्पॉइलर वाला कुत्ता आपको काटे उससे पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये फिल्म ना भाई मोबाइल पे और पायरेसी में देखने का कोई मजा नहीं, क्योंकि इसका जो एक्शन और इमोशन का मजा है ना वो बड़ी स्क्रीन पे ही है भाई। KGF 2 एकदम रावल से बवाल है, मतलब आपको जो KGF 1 में मजा आया था उसी लेवल का मजा आपको KGF 2 में भी देखने को मिलेगा। और जो साउथ के फैन है, जिन्हें एक्शन इमोशन ट्विस्ट वाली मूवीज देखना अच्छा लगता है, उनके लिए तो ये मतलब सोने पे सुहागा है, उनको तो बहुत पसंद आने वाले। इतने टाइम से जो KGF 2 का वेट कर रहे थे, अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। जाइए मूवी देखिए, मजे लीजिए। तो ये था फिल्म का स्पॉइलर फ्री ऑनेस्ट रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूले। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।